न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। दो शिक्षकों के विरुद्ध SC/ST एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत होने से विश्वविद्यालय के शिक्षकों में उबाल। कुलपति से मुलाकात कर जताया विरोध। बुधवार से काली पट्टी बांध कर दी आंदोलन की चेतावनी। सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सांसद निधि से बन रहे नवीन कार्यालय, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय और सभागार का विधिवत पूजा अर्चना के बाद वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार ने किया शिलान्यास। 2 अक्टूबर तक चलेगा स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम, DM ने कहा। 2 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा गोरखपुर को खुले में शौच मुक्त जनपद। गुलरिया थाना क्षेत्र के भटट में मुहर्रम जुलूस के दौरान हुए विवाद में मंगलवार तक 23 अराजक तत्वों की हुई गिरफ्तारी। SSP ने कहा शेष आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई सांसद स्थानीय निकाय योजना की बैठक। कहा शासन के विकास प्राथमिकता में शामिल योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही क्षम्य नहीं। GDA सभागार में संपन्न हुई बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वासन विषय पर आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला। बाल एवं किशोर श्रम संशोधित अधिनियम में आ रही समस्याओं व उनके निराकरणों पर हुई चर्चा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में आयोजित हुई व्याख्यान माला। वक्ताओं ने दीनदयाल उपाध्याय के जीवन वृत्त पर डाला प्रकाश। गोरखनाथ मंदिर में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 49वीं पुण्यतिथि एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की चतुर्थ पुण्यतिथि समारोह के अंतर्गत सामाजिक समरसता भारतीय संस्कृति का प्राण है। संगोष्ठी में वक्ताओं ने छुआछूत मिटाओ और देश बचाओ का किया आह्वान। नवनियुक्त कार्यवाहक जिला अध्यक्ष का कांग्रेसियों ने किया जोरदार स्वागत। कार्यवाहक जिला अध्यक्ष ने कहा सशक्त और मजबूत संगठन खड़ा करना मेरा उद्देश्य रहेगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष स्वर्गीय रंग नारायण पांडे की 40वीं पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। लोगों को चकमा देकर लूटने वाले एक शातिर लुटेरे को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। 15,000 रुपये किए बरामद। CO कोतवाली ने किया खुलासा। न्यू पेंशन स्कीम के विरोध सहित 3 सूत्रीय मांग को लेकर ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लाइज एसोसिएशन ने दिया धरना। वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। मुहर्रम और गणेश चतुर्थी सकुशल संपन्न कराने के लिए कौमी एकता कमेटी ने जिला अधिकारी को किया सम्मानित। विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल के तत्वावधान में शुरू हुआ युवा संस्कार सप्ताह। लोगों को दी गई यातायात नियमों की जानकारी। सेमेस्टर शिक्षा प्रणाली का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया विरोध। नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। श्री राम कथा के 4th दिन भगवान श्री राम का मिथिला नगरी में प्रवेश एवं मां सीता के साथ उनके भेंट के साथ कथा हुई प्रारंभ। अंतर संकाय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में वाणिज्य वर्ग के छात्र और विज्ञान संकाय की छात्राएं रही विजयी। और जनपदीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग हैमर थ्रो में बांसगांव के मानजीत ने मारी बाजी। नगर क्षेत्र के हिमांशु कौल द्वितीय और सचिन रावत तृतीय स्थान पर रहे कायम।